कल मैं जितनी खुश थी उतनी मैं दुखी भी थी, क्योंकि अभी शॉप करो पर बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर शॉप करो को फॉलो नहीं कर रखा है या फिर मुझे भी नहीं कर रखा है तो दोनों को कर लो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं, क्योंकि अभी बैक टू बैक आने वाले। वेयर इज माई वॉच? फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैंने मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा लेट की, लगभग 12:30 हो चुकी हैं और अभी मेरे खाना वगैरह सब बन गया। आज मम्मी गए हैं थोड़े काम से बाहर, सो भाई जी भी आ गई। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है मेरे साथ, तो अभी मैं खाना खा रही हूँ। तो मैं मेरा खाना बना चुकी हूँ। चिकू को तो खाना खिला के मैंने भेज दिया, पापा के लिए मैंने भेज दिया टिफ़िन, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर आ गया तो पापा तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चिकू और दोनों ही हैं और भैया भाभी गए हैं बाहर, तो इसलिए। तो अभी आज खाने में बना है लौकी की सब्ज़ी और चावल और रोटी। मैं खाना भर देती हूँ। और मैंने अभी तक नहाना वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा अब कंप्लीट खाना वगैरह खा के ही फिर नहाने जाऊँगी। भाई जी के साथ में बर्तन धो के जाएगी, घर को मार दूँगी लॉक। सब खाना लेके बैठती हूँ, थोड़े से राइस ले लेती हूँ। मैं राइस बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। सब फिक्स बना था, सब्जी राइस फिक्स, रोटी भी मैंने फिक्स बनाई है। ये ले लेती हूँ घी, जिसके बगैर मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता। मुझे क्या पता रोटी घी, रोटी पे भी घी ज़्यादा ज़्यादा पसंद है, मेरी ये वीकनेस है घी है। ये रहा हमारा खाना। चलो इस खाने को फटाफट से फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, और जल्दी से रेडी होकर फिर जाना है शॉप पर। तो अगर बीच में मिल पाई तो मिल लूँगी। भागो 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 भागो, जल्दी से खाना खाओ और फिर भागो शॉप पे। बाय। नहाकर हो गई हूँ ये रेडी। अभी मेरे को सीटीएम करना है, तो मैं मेरा फेस पर सीटीएम कर देती हूँ। मैं हो गई हूँ ये रेडी और जल्दी से पर्स वर्स रेडी कर देती हूँ और चलते हैं शॉप पर। कल मैं जितनी खुश थी उतनी मैं दुखी भी थी, क्योंकि मेरी वॉच हो गई है ख़राब, यानी स्क्रीन काम ही नहीं कर रही है इसकी। क्या पता क्या प्रॉब्लम हुई है। बाकी मैं मेरी वॉचेस और मेरा फ़ोन मैं केयरलेस यूज़ करती हूँ, बट मैं मेरी वॉचेस कभी केयरलेस यूज़ नहीं करती। मैं मेरी वॉचेस का बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। क्या पता मेरे वॉचेस के ग्रह हैं, यानी समझ लो ग्रह चल रहे हैं। पहले भी एक वॉच थी मेरे पास सैमसंग की, वो भी ख़राब हो गई। सेम इसी टाइप की थी, पर उसका डायल थोड़ा सा छोटा था और सिल्वर कलर की थी, और ये मेरी फेवरेट हो गई थी। ये मुझे पहले नहीं पसंद आई थी, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, और अभी सच में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और ख़राब हो गई। मैं कल इस वॉच के लिए रो भी गई हूँ, यानी बहुत दुखी हो गई। मैं क्या करूँ। सबसे मेन चीज़ तो ये है ना कि वॉच अगर पहनने की आदत हो जाती है फिर अच्छा ही नहीं लगता, यानी वॉच नहीं पहने तो। अभी मैं मेरी दूसरी वॉच पहन रही हूँ, जो कि मुझे चिकू ने गिफ्ट की थी केसियो की। वेयर इज माई वॉच? इसी में तो रखी थी, कहाँ गई? शायद निकल गई होगी। निकल गई। ये रही मेरी वॉच। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो यानी डिजिटल है ना, स्मार्ट वॉच है, तो स्मार्ट वॉच में मुझे क्या कभी कभी बीपी लो का और ये सब दिक्कत होता है, तो उससे मेरे को थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और वॉच को पहन लेती हूँ मैं, क्योंकि आदत है वॉच पहनने की, इसलिए अच्छा नहीं लगता, उल्टी पहन ली मैंने। चलो कोई नहीं, आज इससे काम चलाएंगे। ये भी दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बट उसकी तो बात ही कुछ और है। अब इसको मैं जल्दी से सही कराऊंगी और जल्दी फिर पहनूंगी। मुझे अभी नई वॉच लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि मेरी इस वॉच को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कुछ ही चीज़ें होती है जो मुझे यानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, बाकी मुझे हर कुछ समझ में नहीं आता है। बैग इज़ रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी, एंड घर कर देती हूँ पूरा लॉक, क्योंकि मम्मा भी नहीं है इसलिए, और पापा का भी रूम, मम्मी पापा का भी रूम लॉक कर देती हूँ। इस
इस दूध के ऊपर कुछ ढक देती हूँ ताकि कुछ भी गिरे नहीं, क्योंकि बाहर ही रहती है। जब अगर दोपहर में आने का काम पड़ गया फिर चिकू कोई भी है तो बोल दूँगी चिकू को। यहाँ पर मिट्टू हैं तो फैन ऑन कर देती हूँ। मिट्टू और इनके खाने का है कि नहीं है? नहीं है, खाना तो समझ गया। थोड़ा सा इनको खाना दे देती हूँ। इनकी एप्पल है, एप्पल कट कर देती हूँ। दो तीन टिंडोरी दे देती हूँ क्योंकि इनको यानी सीड्स वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुझे वहीं पे बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। चलो अब आपको मैं शॉप पे जाके मिलती हूँ। ये अभी आ गई हूँ मैं शॉप पर और मेरी हालत देख सकते हो, इतनी गर्मी पड़ गई है। बारिश क्यों नहीं आ रही है? क्या पता, बारिश की बहुत दिक्कत होगी। चिको ये डिस्प्ले मुझे थोड़ी सी अटपटी लग रही है। क्या हुआ? देखो कैमरे की सेटिंग बिगड़ी। अच्छा, सब जने मिल के प्रे करो कि बारिश आ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। राजस्थान में तो नहीं है बारिश, क्या पता कहीं और हो और मेरे व्लॉग कहीं और देखे जा रहे हो तो बताओ कि बारिश वहाँ गिर रही है कि क्या है। शॉप पे तो कब से ही आ गई हूँ, अभी मैंने शूट करना स्टार्ट किया है। आज से शुगर की मीटिंग 2 बजे से लगा कर 3 से 3:30 बजे तक शायद कुछ थी, जो कि पूरी अटेंड की और उसमें प्रोडक्ट नॉलेज मिला जो नया अभी लॉन्च होने वाला है वो, और उसके बारे में कम्प्लीटली सब यानी नॉलेज मिला और अच्छा लगा क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, इसलिए मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ब्यूटी एडवाइज़र के तौर पर भी मेरे को आपको हर चीज़ करेक्ट बतानी है, उस वजह से यानी मैं जितना जिस चीज़ में यानी कहते हैं ना ज्ञान कलेक्ट कर पाऊँ उतना करती हूँ और फिर वो आप तक पहुँचाती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए इस चीज़ से। और अच्छा ही है ना, अपनी अगर नॉलेज बढ़ाओ तो बहुत अच्छा है। और अभी आज ज्योति नहीं आई है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही हूँ। आज सलून में भी इतना काम नहीं है, इसलिए ज्योति होती है तो चलो बातें बातें करके टाइम पास हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मुझे जाना है घर क्योंकि मैं भी यहाँ पर बैठ के थक गई हूँ और जाती हूँ घर पर, खाना वगैरह भी बनाना है। मम्मी आए कि नहीं आए पता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको घर पर जाके। अभी चिकू आ गए मुझे लेने के लिए और मैं जा रही हूँ सब्जियों की सब्जियाँ खरीदने, क्योंकि सब्जियाँ हो गई है ख़त्म, थोड़े दिन पहले लाए थे पर ख़त्म हो गई है, तो चलिए जाते हैं सब्जियाँ लेने। सब्जियाँ लेकर तो घर पर आ गई हूँ पर अभी धोने के लिए रखी हैं मैंने, या नहीं रखूँगी अभी धोने के लिए, और यहाँ से अंदर से टोकरियाँ ले जाती हूँ ताकि धुल जाए और इसके अंदर आ जाए। मेरी कज़न का फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ी देर फ़ोन पे बात करने लगी थी, बहुत टाइम बाद फ़ोन आया था उस, वो भी बेचारी बहुत बिजी रहती है इसलिए फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है इसलिए। तो चलो अभी मैं यूँ करती हूँ ना, एक बार तो पानी भरती हूँ तब मैं और फिर सब्ज़ियाँ डालूँगी उसके अंदर। सारी टोकरियाँ ले आई हूँ, ये हैं सब्ज़ियाँ, ये भी सब्ज़ी और ये भी सब्ज़ी। हमारे घर पे कौन आया है? हमारी प्यारी प्यारी परी प्रिंसी, और अभी हम दोनों मिलके करेंगे भिंडी को कटिंग। ठीक है, अपन इधर रख देते हैं कैमरे को। मजा आ रहा है, प्रिंसी आई खुश हो गई। मैं तो मुझे क्लीन कट करके दोगे, मैं कट करूंगी है ना। और इसके मामा कर रहे हैं यहाँ पर चिल, यहाँ पे खेल जरा पबजी, पबजी खा लीजिए। वैसे तेरे को क्या मजा आ रहा है इसमें, तू देख रही? मजा आ रहा, मजा अच्छा। तो चलो अभी क्लीन कर देते हैं किचन, क्योंकि खाना वगैरह हमारे हो गया है। बनी थी भिंडी की सब्जी और पूड़िया, वो मैं नहीं दिखा पाई आपको पर कोई बात नहीं,
तू यार कुछ कर ले, ब्लॉगिंग कर ले। ओके और क्या, तुलसी हमारे करेगी मस्त वाला ब्लॉग। ऐसे पकड़ती थी ना तू तो, ऐसे पकड़ना है। ये तो मेरा ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग बन गया। अभी हम फ्री हो गए हैं और बहुत सारी बातें की। प्रिंसी आई हुई थी, प्रिंसी तो पर बातें करती करती कब सो गई पता ही नहीं चला। कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी प्रिंसी, और वो आई है, बहुत मज़ा आ रहा है, इधर उधर कूद रही है, मज़ा आ रहा है। बहुत सारी बातें की बेचारी की, वीडियो सब जने चिढ़ाने लग गए, तू तो व्लॉगर बन गई है, व्लॉगर बन गई है करके सब बातें कर रही थी। मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ ना, वहाँ पर मेरे को सब जने बोल रहे कि तू रोमा दीदी के व्लॉग में आई थी ना, रोमा दीदी के व्लॉग में आई थी ना, ऐसे करके। आज बहुत मज़ा आया, और वो तो बातें करते करते सोफे के ऊपर ही सो गई। फिर हमने कहा आप सो जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, और अभी लगभग बज गई है 12, तो अब हो जाता है सोने का टाइम। और हाँ, अभी शॉप करो पर बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर शॉप करो को फॉलो नहीं कर रखा है, या फिर मुझे भी नहीं कर रखा है, तो दोनों को कर लो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ऑफ़र चल रहे हैं, क्योंकि अभी बैक टू बैक आने वाले। अभी एक ऑफ़र तो स्टार्ट हो गया है, तो आप उस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो, और जल्दी से शॉपिंग करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम आ सकती हैं। और आप हमारी शॉप करो कि जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी विज़िट करते रहो, जो जो नए नए प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं वो हम उसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और उस चीज़ों का आप लुत्फ़ उठा सकते हो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ओके बाय। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय।